उत्तर प्रदेश में लेखपाल भर्ती परीक्षा में पेपर लीक होने की खबर के बाद एक एक कर विपक्ष के नेता सरकार को घेर रहे हैं। पेपर लीक मामले में कांग्रेस नेता दीपक सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि यूपी भाजपा सरकार वीक है, जिसकी वजह से एक और पेपर लीक हो गया है। साथ ही कहा कि उत्तर प्रदेश में अब तक एक दर्जन पेपर लीक कराने की अपार सफलता के लिए सरकार का धन्यवाद। आज एक और पेपर लीक होने से स्पष्ट हो गया है कि यूपी की सरकार वीक है, इसलिए आज एक और पेपर लीक है। रोज पेपर लीक, पहले एक डायलॉग था तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख, अब उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार में हो गया है पेपर लीक पर पेपर लीक, पेपर लीक पर पेपर लीक। आज इस तरह से लेखपाल भर्ती का पेपर लीक हुआ है, निश्चित रूप से समझ में आता है कि साजिश है। लेखपाल परीक्षा में जो पेपर लीक हुआ है, इसकी जांच एसटीएफ को दी गई है। एसटीएफ ने 27 लोगों को गिरफ्तार किया है जगह जगह से। वहां पर सब चीज ले जाना बैन था, मोबाइल और अन्य सामग्री ले जाना बैन था, फिर भी पेपर लीक हुआ है। ये बहुत ही दुखद घटना है।